रीवा के तरहटी मोहल्ले में एक बार फिर आया दुष्कर्म का मामला सामने। युवती पहुंची रीवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय युवक और उसके परिजनों की शिकायत लेकर की कार्यवाही की मांग। रीवा के तरहटी मोहल्ले में एक बार फिर आया सामने दुष्कर्म का मामला। युवती पहुंची रीवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय युवक और उसके परिजनों की शिकायत लेकर की कार्यवाही की मांग। रीवा के तरहटी मोहल्ले में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला आया सामने। पीड़िता ने एसपी से शिकायत। रीवा में दुष्कर्म का मामला आया सामने, हम आपको बता दें सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया, जिसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़िता द्वारा एसपी से शिकायत की गई। रीवा में यह आए दिनों की बात हो गई है। दुष्कर्म के मामले हर दूसरे तीसरे दिन रीवा में नजर आ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है व्हाट्सएप फेसबुक। पहले दोस्ती आगे चल के दुष्कर्म में बदल जाती है। अपने शिकायती आवेदन में फरियादी ने कहा उसका अपने पड़ोस में ही रहने वाले युवक से पिछले 4 साल से प्रेम कर लिया, जिसके बाद युवक ने शादी का झांसा देकर कई बार उसके ही घर में उसके साथ दुष्कर्म किया। शादी की बात कहने पर युवक कहता था बालिग होने पर शादी करूंगा। इसी कड़ी में 2019 में जब वह बालिग हुई तो उसने युवक पर शादी का दबाव बनाया, जिस पर युवक ने शादी करने से मना कर दिया। लड़के के परिजनों का कहना है हम अपने लड़के की शादी वहीं करेंगे जहां 10 लाख रुपए मिले, तुम गरीबों से नहीं। युवक द्वारा शादी से मना करने पर घटना की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन थाने में ही लिखित समझौता हुआ। इसके तहत युवक ने 1 साल बाद शादी करने का समय मांगा। फरियादी ने 1 साल और इंतजार करने का निर्णय लिया। 1 साल बाद भी युवक ने शादी से इनकार कर दिया। इस तरह से 1 साल और निकल गया। इस कड़ी में गत दिवस युवक के परिजनों ने फरियादी के घर आकर उसे और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी द्वारा जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है लड़की को। इस मामले में हमने रीवा एसपी ऑफिस शिकायत लेकर पहुंची लड़की से बात की। माना जा सकता है जिस तरीके से इस तरह के मामले लगातार रीवा में देखने में नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में कई सवालों को जन्म दिया। युवक युवती पहले व्हाट्सएप फेसबुक से उनके बीच में दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे इस हद तक पहुंच जाती है एक दूसरे से शादी की बात करते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके के मामले सामने आते हैं। बाद में लड़का मुकर जाता है, लड़की सीधे थाने पहुंचती है उसके खिलाफ शिकायत लेकर। फिर पुलिस बीच में आती है, कार्रवाई करती है, समझाइश देती है, समझाइश के बाद कार्रवाई करती है। इस बारे में कुछ इसी तरीके का मामला देखने में नजर आया था। पुलिस ने पहले समझौता करा दिया था, लेकिन लड़का और उसके परिजन जब नहीं मान रहे हैं तो एक बार लड़की फिर से एसपी ऑफिस पहुंची शिकायत लेकर। सुनिए लड़की क्या कुछ कह रही है। मेरे साथ एक लड़का है तरहटी का पाकड़ पेड़ के पास, तो हमारा 3-4 साल से उससे प्रेम संबंध था और वो अपने घर हमें ले गया था, तो मम्मी पापा से मिलवाया था और वो लोग सब बात किया था कि हम शादी करेंगे। मेरे घर वालों से भी किया था, फिर मेरे घर में जब कोई नहीं रहता था तो आता था, मेरे साथ संबंध बनाया और फिर शादी करने को बोला था। फिर जब हम लोग बोले कि अब शादी करो, तो उसके पापा मम्मी आके बोले कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, जो हमें 10 लाख रुपए देगा हम उससे करेंगे, तुम जैसे गरीबों से नहीं करेंगे। तो हम लोग फिर सिटी कोतवाली में हम मम्मी गए थे तो रिपोर्ट किए थे, तो वहाँ बुलाए थे उसको, उसके परिवार वालों को, तो वो लोग आके बोले हमें 1 साल का टाइम दे दो हम करेंगे। हमें लिख कर दिए वो लोग कि हम हिंदू रीति रिवाज से तुमसे शादी करेंगे 1 साल बाद। फिर जब 1 साल बाद 1 साल हो गया तो हम उसके घर गए, तो जब 1 साल पूरे हो गए तो उसकी मम्मी और बहन अंजलि जायसवाल हमारे साथ मारपीट की, और इसके 22 तारीख को उसके पापा आए 2-3 लोगों के साथ, तो वो लोग गाली गलौज किए और हमें धमकी दिए कि रिपोर्ट मत करो, पैसा ले लो, अगर रिपोर्ट की तो हम तुम्हें जान से मारवा देंगे। फिर हम लोग 23 तारीख को हम मम्मी आवेदन दिए महिला थाना में, तो वहाँ से उसके मम्मी पापा को बुलवाए थे और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम 2 बार एसपी ऑफिस पहले भी आ चुके हैं और आज भी आए हैं, तो आज सर बोले हैं वहाँ फ़ोन करके कि जो भी लड़की कह रही हो कार्रवाई करें, और अभी तक 1 महीने से ऊपर हो गया कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।